गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक गोटरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने लगभग उनके सैद्धांतिक पक्ष की ओर देखा, आज हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे कि भारत ने अपनी इस विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष या गुटनिरपेक्षता की नीति को किस प्रकार से लागू किया, किस प्रकार से उसको अन्य देशों के साथ, संगठनों के साथ, और किस प्रकार से इस आंदोलन को अपनी विदेश नीति का अहम आधार बनाते हुए इसको आगे बढ़ाया, तो हम इसका अलग अलग चरणों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 1947 से 1950 तक, इसको प्रथम चरण है। इसमें देखते हैं कि इन 3 वर्ष के काल में, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और भारत के जो प्रथम आम चुनाव हैं वो हमारे संविधान लागू होने के बाद हुए, यानी 26 जनवरी 1950। उसके बाद में हमारे 51-52 में ये आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जब हमारी संविधान सभा एक तरफ संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरी तरफ हमारे जो अंतरिम सरकार थी वो सरकार इस गुटनिरपेक्ष नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ा रही थी, इसके संबंध में क्या दृष्टिकोण था, इस संबंध में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1947 और 1950 ये 3 वर्ष का जो काल है, इसमें हम देखेंगे कि इस नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। तो ये स्पष्ट है कि अपने प्रारंभिक वर्षों में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो एक थोड़ी सी अस्पष्ट थी, ठीक है। कई लोग इसे तटस्थतावाद का पर्यायवाची मानते थे, स्वयं नेहरू इसे खुद सकारात्मक तटस्थता कहकर पुकारते थे। अब कारण ये था कि हम खुद थोड़े से इतने हमारे आंतरिक मामलों में व्यस्त थे, हमारे देश का संविधान निर्माण करना है, हमें सरकार चलानी है, हम बिल्कुल नवोदित थे, हमें हमारी आंतरिक चुनौतियों से समस्याओं को देखना था, काफ़ी कुछ हम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो उसमें हम पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम फिलहाल यही सोचा कि हम तटस्थ रहकर काम करें, ठीक है। नेहरू खुद कभी कभार अपने भाषणों में इसको सकारात्मक तटस्थता के नाम से पुकारते थे। अब इस काल में भारत की जो प्रवृत्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश सरकार से हमारे संबंध तत्कालीन समय में भी अच्छे ही थे, और ब्रिटेन है वो अमेरिकी गुट से, अर्थात तो कह सकते हैं ये पूरा पश्चिमी गुट है। तो हमारी जो तत्कालीन स्थिति को देखते हुए हमारा जो झुकाव था वो पश्चिमी गुट की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। पश्चिमी गुट की तरफ भारतीय झुकाव के कारण थे कि भाई हमारा झुकाव क्यों था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुरक्षा के मामलों में भारतीय पश्चिमी गुट पर पूरा पूरा निर्भर था। हमारे देश की रक्षा व्यवस्था के लिए हम पूरी तरह किस पर निर्भर थे, पश्चिमी गुट पर, क्योंकि उस समय हमारे देश में कुछ भी रक्षा के क्षेत्र में कुछ भी निर्माण नहीं होता था। किसी भी प्रकार की हमें कुछ छोटी मोटी राइफल भी खरीदनी थी तो हम पश्चिमी गुट की तरफ या पश्चिमी देशों की तरफ निर्भर थे, ठीक है। तो ये केवल सुरक्षा की बात हो रही है, और भी अन्य मामलों में हम किसी प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं थे। भारतीय सेना का संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था, क्योंकि जिन्होंने 200-250 वर्ष तक शासन किया तो स्वाभाविक है कि इतने लंबे शासन का जो प्रभाव है वो पूरा पड़ना स्वाभाविक था। तो हमारी जो सेना का जो संगठन था, स्ट्रक्चर था, वो भी पूरी तरह ब्रिटिश पद्धति के अनुकूल था, इसलिए हम ब्रिटेन के साथ हर मामले में पूरी तरह से संबंध थे, हम पूरी तरह से जुड़े हुए थे। वो भले ही हमको स्वतंत्र करके यहाँ से चले गए, लेकिन हम पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हुए थे, उनसे बिल्कुल दूर नहीं थे, पूरा हमारे सिस्टम में, हमारे व्यवस्था के अंतर्गत, हमारे हर काम में ब्रिटिश पूरी छाप थी। और यही नहीं, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो भी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के अनुकूल थी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जब हम गुलाम थे तो ब्रिटिश व्यवस्था के हाथों में थी, तो ब्रिटिश व्यवस्था ने अपने अनुकूल ही शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही थी। तो स्वाभाविक है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड था, उसी के अनुकूल था, और भारत के जो उच्च शिक्षित वर्ग है उन पर भी इन पश्चिमी देशों का प्रभाव था। इस काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी राष्ट्रों से थे और किसी देशों से नहीं थे, क्योंकि भारत में जो भी उत्पादन है, वितरण है, सब कुछ ब्रिटिश हाथों में था। तो हमारे लिए दुनिया बिल्कुल नई थी,
कि हम किसके साथ जुड़े हैं, किसके साथ हमारे व्यापारिक आर्थिक संबंध कायम करें, कौन से क्या, ये सब कुछ हम बिल्कुल अनजान नवजात शिशु की तरह थे। तो हम पूरी तरह से पश्चिमी गुटों से एक पूरा पूरा एक हमारा झुकाव था। भारत का आप देखें तो लगभग तत्कालीन समय में 97% जो विदेशी व्यापार होता था तो पश्चिम से होता था, यूरोपीय देशों से होता था। ब्रिटेन अमेरिका से खासतौर पर भारत को आर्थिक और तकनीक सहायता मिल रही थी। उस समय हमको किसी और समय केवल इन दो देशों से मिल रही थी सहायता। इस समय सोवियत संघ आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत को सहायता देने की स्थिति में भी नहीं था, ये भी समझिए कि इस समय काफ़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा था सोवियत संघ भी, ठीक है। अतः इन सभी परिस्थितियों, इन सभी कारणों के आधार पर भारत का जो झुकाव है वो पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा। इस कारण भारत ने, आपको पता है कि जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी शीत युद्ध के दौरान हमने इसको समझा था कि भारत का झुकाव भी इनकी तरफ था, कौन किस तरफ, वेस्टर्न जर्मनी जो इन सोवियत मतलब अमरीकी गुट में था, अमरीकी देशों के पास था। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा झुकाव इसकी तरफ और भी बढ़ा। और जो पूर्वी जर्मनी है उसको मान्यता प्रदान नहीं की क्योंकि ये सोवियत संघ से था और सोवियत संघ से तत्कालीन समय में हमारे संबंध किसी प्रकार के कायम नहीं हुए थे। अब देखते हैं कि कोरिया युद्ध के प्रारंभ से ही भारत ने पश्चिमी गुटों का पक्ष लिया और उत्तरी कोरिया को आक्रमक घोषित कर दिया। और आपको पता है कि जो दक्षिण कोरिया है वो अमरीकी समर्थित राज्य था, अमरीका का मित्र था, तो और जो उत्तरी है वो साम्यवादी राष्ट्रों से जुड़ा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने भी उत्तरी कोरिया को आक्रमक घोषित किया और पश्चिमी गुटों का पूरा पूरा पक्ष लिया। तो इस काल में 30 वर्ष के काल में हम देखते हैं कि हमारा पूरी तरह से झुकाव पश्चिम के देशों की तरफ, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ पूरा पूरा झुकाव बना हुआ है क्योंकि तत्कालीन चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ और समस्याएँ। दूसरा, हम पूरी तरह से डिफेंड थे इन पश्चिमी देशों पर, तो स्वाभाविक है कि सब कुछ उन्हीं के अनुसार सब कुछ चल रहा था। अब स्थिति देखते हैं 1950-57 तक की, यानी अब आगे जब हमारे देश में आम चुनाव के बाद नई सरकार गठित होती है और उसमें फिर भारतीय दृष्टिकोण में किस प्रकार का कुछ परिवर्तन आता है उसको समझते हैं। तो देखो जो 1950-57 जो सेकेंड स्टेप है, द्वितीय चरण है, इस काल में सोवियत संघ के प्रति भारत का दृष्टिकोण कुछ परिवर्तित होता है। यानी पहले वाले चरण में हमारे सोवियत संघ से किसी प्रकार के संबंध नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण में देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आता है। इसका कारण यह था कि आपको पता है 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफ़ी उदार होने लगा था। जो स्टालिन थे, स्टालिन का भारत के प्रति एक कठोर रवैया था और इस कठोर रवैये के कारण भारत के संबंध तत्कालीन समय में नहीं हो पाए। लेकिन आपको पता है 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो क्रुश्चेव हैं और ये जो आते हैं सोवियत नेता, इनका भारत के प्रति थोड़ा सा काफ़ी जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, उदार होने लगता है। इस काल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध में कटुता आने लगी। 1950 के बाद में अमेरिका से थोड़ी सी दूरी बढ़नी हमारी शुरू हो गई क्योंकि आपको पता होगा 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य सैनिक संधि हुई थी, अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य। और आपको पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन राज्य, हमारा विरोधी राज्य था। अब ये जब अमेरिका से हो जाती है संधि तो स्वाभाविक है कि अमेरिका से सहायता प्राप्त होगी, रक्षा सामग्री अमेरिका से प्राप्त होगी। और यही ये भारत के लिए कर रहा था क्योंकि उसका मकसद यही था कि तत्कालीन समय की जो भी परिस्थिति थी वो कश्मीर के संबंध में हो या और भी किसी प्रकार के क्षेत्र से, तो वो इस प्रकार से अपने लाभ लेने के लिए जब अमेरिका से संधि कर बैठा। और जिसके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का निर्णय किया, ठीक है। शस्त्र दिए, भारत के खिलाफ शस्त्र करना, यूज करना, तो हम एक व्यक्ति से, एक राष्ट्र से दोहरा समर किस प्रकार से कायम कर सकते हैं कि एक को वो शस्त्र दे रहा है और वही शस्त्र हमारे खिलाफ हो रहे हैं और हम वापस उसे मित्रता रखें, ऐसा संभव ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमारी पाकिस्तान और इनके मध्य जो संधि हुई उसके बाद में देखते हैं कि हमारे और अमेरिका के मध्य दूरी बढ़नी शुरू हो गई। और यही नहीं, जब गोवा का प्रश्न आया तो गोवा के प्रश्न पर भी अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया क्योंकि जो पुर्तगालियों का अपना जो एक नियंत्रण था गोवा पे, और जब भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा जब गोवा को अपने भारतीय गणराज्य में मिला दिया गया, स्वतंत्र हुआ इनसे, तो जब
आक्रामक तरीका अपनाने का काम शुरू किया पुर्तगाल ने। तो इस गोवा के प्रश्न पर अमेरिका ने पुर्तगाल का साथ दिया, न कि भारत का, और जबकि सोवियत संघ ने भारतीय नीति का हमेशा से समर्थन किया। ठीक है, इस काल में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की, पंडित नेहरू सोवियत संघ गए तथा सोवियत नेताओं ने भी भारत की सद्भावना यात्राएँ की। हमारे संबंध धीरे धीरे अच्छे होने लगे, भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार बढ़ा, भारत को सोवियत संघ के भारत को सोवियत संघ से कुछ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। अब सोवियत संघ ने भारत का जो भिलाई इस्पात कारखाना है उसके लिए आर्थिक तकनीक सहायता प्रदान की, और जब 1956 में स्वेज नहर संकट उत्पन्न हुआ तो भारत ने सोवियत संघ की भांति ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की। आपको पता होगा कि मैंने सुना आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था कि जो 1956 में मिस्र के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय इजराइल ब्रिटेन फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, और अमेरिका ने इसकी घोर अमेरिका बहुत बुरा लगा, अमेरिका ने राष्ट्रों की निंदा की, क्योंकि निंदा करने की जो वजह ये थी कि अब तक पश्चिमी क्षेत्र में और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सोवियत संघ हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने युद्ध किया तो स्वाभाविक है कि ये ब्रिटेन फ्रांस इजराइल ये अमेरिका के मित्र राष्ट्र, तो अमेरिका की सहायता तो इनको ही करनी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका चाहता था जैसे जैसे करके युद्ध समाप्त हो जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो यहाँ पर सोवियत संघ आ जाएगा, सोवियत संघ घुस गया तो मेरे प्रभाव को मेरी शक्ति को चुनौती मिलेगी जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, अब जब ये हुआ तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ ने जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की, तो भारत ने भी कहा कि बिल्कुल ब्रिटेन और फ्रांस ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हंगरी की समस्या पर भी भारत की नीति सोवियत संघ के समर्थन में रही, जिस प्रकार से हंगरी में हस्तक्षेप किया तो उसमें भी हमने सोवियत संघ का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हंगरी की समस्या पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतिनिधि ने सोवियत हस्तक्षेप की कटु आलोचना बिल्कुल नहीं की, क्योंकि हमारे संबंध कुछ अच्छे बन रहे थे, अच्छे संबंध कायम हो रहे थे। तो समझ सकते हैं कि इस चरण में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका से थोड़ी बहुत दूरी बनती जा रही है। अब देखते हैं तीसरे चरण में 1957 से 1962 तक किस प्रकार का जो हमारा इस दौर तीसरे चरण में हमारी इस नीति को किस प्रकार से हमने क्या किया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 1957 के बाद भारत की नीति पूर्ण पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी। 1957 के बाद पूर्ण से हम थोड़े से झुकाव किसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, पश्चिमी गुट की तरफ। क्यों किया, क्या कारण था? तो एक तो ये था कि 1957 के आम चुनाव में भारत के केरल राज्य में साम्यवादियों की विजय हुई। 1957 के जो आम चुनाव हुए ना उसमें साम्यवादियों की विजय कहाँ हुई, केरल में, और भारत ने इस समय गंभीर आर्थिक संकट विद्यमान था। अब देखो, साम्यवादी को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों को भी काफ़ी कुछ धज्जियाँ उड़ाने वाला है। वो वर्गभेद राज्यभेद विचारधारा में विश्वास करने वाला एक आइडियोलॉजी है जो कभी भी हकीकत में इस तरह संभव नहीं हो सकती। और अगर हम इस प्रकार से अगर पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा को साम्यवादी को प्रोत्साहन देते रहें तो हमारे लिए बहुत बड़ी विपरीत प्रसिद्धि हो सकती थी। इसलिए थोड़ा सा हमको थोड़ा सा ये चुभा के ये जो साम्यवादियों की इस प्रकार से जीत हुई है, हम नहीं चाहते कि इसका और भी विस्तार हो। और भारत की जो गंभीर आर्थिक संकट था ये भी उस समय तत्कालीन समय में पूरी तरह से विद्यमान था। देश में खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा भंडार की जबरदस्त कमी थी, तो भारत को बाध्य कर दिया इन प्रश्नजों ने कि वह पश्चिमी गुटों के साथ थोड़ा मेलजोल बढ़ाए। तो इस काल में आपको पता है कि नेहरू ने अमेरिका की यात्रा की और भारत पश्चिमी साम्यवाद का विरोध दबी जबान, मतलब जो पश्चिमी साम्राज्यवाद है इसका जो विरोध है वो दबी जुबान से करने लगा, खुलकर नहीं करना है। पहले जिस प्रकार से सोवियत संघ के पक्ष में रहते हुए इसका खुलकर विरोध करता था, अब वो नहीं, क्योंकि भारतीय ऐसी परिस्थितियाँ हो गई, ऐसी चुनौतियाँ हो गई कि अब उनको आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है, खाद्यान्न विदेशी मुद्रा भंडार कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हमको इनको प्राप्त करने के लिए पश्चिमी गुटों से या पश्चिमी देशों से मेलजोल आवश्यक था। अगर हम ही उसका भी विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है क्या हमारी वो सहायता करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा विरोध दबी जबान से करने लगे, खुली तरह बाहर आकर नहीं करने लगे।
तो जो आप समझ सकते हैं कि इन 5 सालों में थोड़ा सा झुका पूर्ण सा एक प्रकार से किसकी तरफ बढ़ा, अमेरिका की तरफ, पश्चिमी गुटों की तरफ। अब सबसे बड़ी चीज़ तो देखते हैं कि 1962 का चीनी आक्रमण, यहाँ पर हमारी गुटनीत परिस्था की परीक्षा होती है कि 1962 का चीनी आक्रमण और भारतीय गुटनिरपेक्षता, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित 1961 बेलग्रेड सम्मेलन के बाद ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले हम इस विचार को लेकर चल रहे थे कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम बिल्कुल तटस्थ हैं, किसी भी शक्ति गुट में, शक्ति संघर्ष में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम हमारे एफ्रो एशियाई एकता पर बल दे रहे थे, बांडू सम्मेलन हुआ था, ये सब कुछ हो रहे थे, तो इसकी जो नींव तैयार हो रही थी। लेकिन प्रॉपर ढंग से 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है, तब देखो 1962 में 61वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होगी, 62 में हमारा चीन का युद्ध हो गया, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इस समय जो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के समय में किस प्रकार का अपना रवैया रखा, किस प्रकार से इस नीति को देखा, तो देखो नवंबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय गुटनिरपेक्षता की नीति की हकीकत में अग्नि परीक्षा हुई, ठीक है। चीन ने आक्रमण किया तब अनेक आलोचकों ने भारत की असंलग्नता की नीति की कटु आलोचना की। अब देखो इसको हिंदी में गुटनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, असंलग्न मतलब किसी के साथ नहीं जुड़ना, असंलग्नता की नीति भी कह सकते हैं, या निर्गुट आंदोलन भी कह सकते हैं, इसलिए हिंदी में इसके 3-4 नाम हैं, आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि काफ़ी आलोचकों ने हमारी इस गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना की। ये कहा गया है कि भारत की जो निर्गुट नीति है वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रही है, मतलब हमने हमारी विदेश नीति का एक आधार बनाते हुए गुटनिरपेक्षता नीति को जो स्थान दिया वो सर्वथा हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हो पाई, हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। एडी गोरवाला कहते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना होता है। कोई देश किसी देश के साथ संबंध बनाता है इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो हमेशा देखता है मुझे मेरे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति किस प्रकार से हो सकेगी, मैं बिना राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचे बिना मैं मेरे देश के लिए सर्वोत्तम लाभ की कैसे आकांक्षा रख सकता हूँ, मुझसे इस देश के साथ संबंध रखने से मुझे क्या क्या मेरे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सकती है। हर राष्ट्र ये प्रॉफिट लॉस को पहले नाप तोल करता है, लेकिन हम इस मामले में पूरी तरह से इस गुटनिरपेक्ष नीति के तौर पर असफल हो रहे थे। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र की अपनी विदेश नीति होती है, सबसे बड़ा हित होता है कि राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखे, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना है, और इसमें हमारी नीति विफल हो गई, हमारी नीति विफल सिद्ध हुई। अब दूसरी आलोचना ये थी कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन में शामिल न होकर भारत ने बड़ी भारी भूल की। अब आलोचक ये कहते हैं कि ये नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी, अगर हम किसी भी गुट के साथ जुड़ जाते हैं पूरी तरह से तो चीन की क्या मजाल है कि वो हमारे पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। उसको पता था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं दूसरे राज्य मेरे पर टूट पड़ेंगे, तो भूलकर भी वो भारत पर हमला नहीं कर सकता था, ठीक है। इसलिए आलोचना है कि कहते हैं कि अगर हम किसी भी मतलब इसके हमारी रक्षा के लिए अगर हम पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सैनिक गठबंधन कर भी लेते तो हमको ये हार का मुँह नहीं देखना पड़ता, इसलिए भारत ने बड़ी भूल की है। यदि भारत पश्चिमी देशों से मिलकर किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य होता तो चीन उस पर हमला करने हिम्मत नहीं करता, उसको सोचना पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तथा यह भी कहा गया कि गुटनिरपेक्षता नीति पंचशील के शांतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, और इसी कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने में घोर उपेक्षा की, जिसके कारण हमें भारी पराजय और क्षति उठानी पड़ी। अब ये भी आलोचना की जाती है कि ये जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है और वो परस्पर अनाक्रमण पर बल देता है, इसलिए हमने किसी प्रकार की हमने सैनिक कार्रवाई सैनिक आवश्यक जो तैयारी करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, यहाँ तक कि हमला भी हुआ तो भी हमने उसका प्रत्युत्तर देने का प्रॉपर ढंग से कार्रवाई नहीं की, इससे हमको बहुत बड़ी हार इतिहास में देखनी पड़ी और नुकसान उठाना पड़ा। यह भी कहा गया है कि निर्गुण नीति के कारण हम अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए, हम तो दुनिया में एक ढिंडोरा पीटते रहे, हम तो बिल्कुल निर्गुट हैं, तटस्थ हैं, गुटनिरपेक्ष हैं, हमारा किसी भी प्रकार के इन गुटों के साथ कोई संबंध नहीं है। समस्या ये हुई कि हम अच्छे से दोस्त भी नहीं बना पाए। हमने एशिया अफ्रीका के नवीन राज्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, किंतु जब चीन ने हमारे पर हमला किया तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम दुनिया की ठेकेदारी करते रहे, दुनिया की सरपंचाई करते रहे कि हम आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब भारत पर हमला हुआ इन्होंने किसी ने भी भारत का साथ
मीडिया। इसके विपरीत पश्चिमी देशों ने, देखो आप, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने तत्काल रूप से हमारी भारी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा रण सामग्री पहुंचाई। जो हमारे मित्र नहीं थे उन्होंने हमारी सहायता की, और जो हमारे मित्र थे वो बिल्कुल बिल में छुप गए, किसी ने भी खुलकर हमारे पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई। आलोचकों ने यह भी कहा है कि हमारी नीति गुणवत्ता की नीति कही जाती है, किंतु जब हम साम्यवादी गुट से संबंधित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे थे, दूसरे गुट के देश में हमें प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे थे, तो क्या हमारी नीति को निर्गुट कहा जा सकता है? कहने के तात्पर्य है कि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की नीति कही जाती है, तो सबको पता है, किंतु जब हम साम्यवादी गुट से संबंधित एक बहुत बड़े सदस्य से लड़ रहे थे, साम्यवादी गुट से कौन, चाइना साम्यवादी राष्ट्र, तो ये सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते इसे हम लड़ रहे थे, तो दूसरे गुट के देश हमें प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे थे। यानी हम चीन से लड़ रहे थे तो दूसरा गुट यानी पश्चिमी गुट से हम बहुत बड़ी सहायता प्राप्त कर रहे थे, तो क्या ये हमारी निर्गुट नीति है? क्या हमारी ये गुट निरपेक्ष नीति है? कहाँ रही हमारी गुट निरपेक्ष नीति? इन आलोचनाओं के उत्तर में पंडित नेहरू जवाब भी देते हैं। ये सब चार पाँच प्रकार से मैंने आपको बताई, ये सब आलोचना है। इस संबंध में नेहरू क्या कहते हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार की शर्त नहीं लगी, बिना शर्त सहायता लेने को हम असंलग्नता की नीति को दूर होना नहीं कह सकते। यानी हमने इन पश्चिमी राष्ट्रों से जो भी सहायता ली है, इस सहायता में किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, शर्त लगी हुई नहीं है कि हमें मतलब आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने बिना शर्त सहायता ली है, हमने ले ली, तो इसमें वो कौन सी बात हो गई कि भाई आपको निरपेक्षता की नीति को त्याग दी? ठीक है। फिर चीनी हमले के बाद 6 नवंबर 1962 में भारत के तत्कालीन अमरीकी राजदूत गोलब्रेथ ने स्पष्ट कहा था कि सैनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुट में शामिल नहीं करना चाहते, न भारत की असंलग्नता की नीति के बदलने के समर्थक हैं। ये अमरीकी राजदूत ने कहा था भारत में से तत्कालीन समय में। अमरीकी राष्ट्रपति कैनेडी भी कई बार कह चुके थे कि अमरीका भारत की तटस्थ नीति का स्वागत करता है। चीनी आक्रमण के समय भारतीय वायुसेना ने 90 घंटे के भीतर 1000 टन रण सामग्री को अमेरिका से भारत पहुंचा दिया। ठीक है, अमेरिकी वायुसेना ने 90 घंटे के भीतर 1000 टन रण सामग्री कहां से भिजवा दिया? अमेरिका से भारत। दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी अपने मिग विमान देने का और इसका कारखाना बना देने का वचन दिया। किसी एक गुट का सदस्य बन जाने पर भारत दोनों महाशक्तियों से लाभ नहीं प्राप्त हो सकता था। अमेरिकी विदेश सचिव डी डस्ट ने स्वयं कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में असंलग्नता की नीति भारत के लिए सर्वोत्तम है, और यदि असंलग्नता की नीति को छोड़कर भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता तो भारत चीन सीमा संघर्ष युद्ध का एक अंग बन जाता। इसलिए पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, किंतु अपनी इस गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं करेगा। हम गुट निरपेक्ष रहे इसी वजह से हम दोनों गुटों से सहायता मिली। अगर हम किसी एक के साथ होते तो दूसरा गुट हमारे लिए खिलाफ हो जाता, यहाँ तक ये हो जाता कि क्षेत्र युद्ध का हम केंद्र भी बन जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर ये रहा कि इस नीति के तहत हमने दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की।